अच्छा है। अच्छा है, खुश है? अरे भैया ये तो जादू है एकदम। सही में भैया बहुत तकलीफ हो रहा था अभी, पहले आप इसके पहले चला तो पूरा बैंड हो रहा था। अभी क्या हो रहा? अच्छा लग रहा है अभी। जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका दोस्त बलवीर सिंह, स्वागत है आपके क्षत्रिय प्रणाम के अगले अभ्यास में। दोस्तों आज हमारे साथ एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको थोड़ा सा स्लिप डिस्क का पेन है और उन्होंने हमारा वीडियो देखकर हमसे संपर्क किया। कितने साल से है, क्या है पेन उनको, आइए उनकी जबानी अपन सुनते हैं और वो सुनने के बाद उनका ट्रीटमेंट कैसा हो सकता है वो देखने का अपन प्रयास करेंगे। आइए नारायण सामने देखिए। कुछ नहीं होता ऐसा, आइए आप चर में ही रखो। बोलिए क्या हुआ था आपको? मेरे पैर में दर्द है। कैसा? वो अंदर नस दब गई है, कमर में नस दब गई है, तो दो तीन साल से प्रॉब्लम हो रहा है। तीन साल से? हाँ। अभी आपके पास अगर थोड़ा सा किया मैं, आपका जो प्राणायाम बोले वो किया, थोड़ा अच्छा लगा। अभी मैं आपको कुछ बताया नहीं, जो मेरा शिष्य है उन्होंने बताया था आपको, अभी मैं बताऊंगा आपको। वो आपका अभ्यास करना है, खट्टा और खाना बंद करना रहेगा आपको। करेंगे, खट्टे चीज़ें खाना बंद रहेगा, चाय बंद रहेगा। हाँ, जितना हो सके उतना हाई फाइबर फूड, जैसे कि रोटी के अंदर ज्वारी की रोटी, बाजरे की रोटी, गेहूँ की रोटी, ये सारी चीज़ें खाने हैं आपको। हाँ, रोटी के। और जो मैं आपको अभ्यास बताऊँगा वो नियमित रूप से करना है। थोड़ा एक बार यहाँ से वहाँ तक चल के बताइए, जगह वहाँ से जाकर रहिए ऐसा। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों आप, इनको थोड़ा लेफ्ट पैर में चलने में भी तकलीफ हो रही है। आ जाइए आ जाइए। डॉक्टर्स क्या बोले आपको? डॉक्टर मतलब ये जो दर्द से रिलेटेड है उसके लिए क्या बोले डॉक्टर? मेडिसिन थोड़ा जोर से, आज हमारे पास माइक की सुविधा नहीं। डॉक्टर ने मेडिसिन दिया था मुझे, कम हुआ तो ठीक है, नहीं तो बाद में ऑपरेशन करना पड़ेगा बोला। अभी बहुत से जगह बंजारा है इसमें, संगारेड्डी में बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, मगर कम नहीं हुआ, वैसे ही कंटिन्यू है। अभी आपको ऑपरेशन करने को बोल रहे, ऑपरेशन क्या करूँ इसके लिए मैं आपके पास आ गया। ठीक है, टेंशन मत लो, अपन कोशिश करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अपने प्राचीन समय से चलते आ रहा अभ्यास कई सारी चीज़ों में ये लाभदायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लाभ ज़रूर पहुँचेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अभ्यास। पहले अभ्यास में इनको स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़े थोड़े जो डंड मारने के हैं तरीके, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में डाला था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये भी है उसका लिंक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले इनका थोड़ा सा हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग, जिसके अंदर मैं इससे पहले बताया था। वाह, कमर पे गिर रहा, इधर दर्द है, थोड़ा सा पीछे सर के, थोड़ा सर के, और आराम से। जिस तरह से मैं पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, ये घुटना ये तलवे के साइड आना, ज़्यादा इनको खींचना नहीं, क्योंकि इनको ज़्यादा तकलीफ है, तो आराम आराम से। ये पहली स्ट्रेचिंग, ज़्यादा स्ट्रेचिंग भी नहीं हो रही इनकी, पहले थोड़ा सा इनको कमर फ्री हो गया, उसके बाद दूसरा अभ्यास। ये आराम आराम से दोस्तों, ये है पहला अभ्यास, एकदम आराम से भैया नारायण, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना, एकदम आराम से उठो। ज्यादा नहीं, और पांच बारी करो, तुम पहला दिन है, पांच बारी करो, और पांच बारी करो, आराम से करो। ऊपर उठने के बाद तीन तक गिनो, एक दो तीन, फिर नीचे, एक ऊपर, आसमान को देखो, आसमान को देखो नारायण, ऊपर आसमान को देखो, ऐसा आसमान को देखना, वापिस नीचे,
तीन सेकंड तक होल्ड करो ऊपर। कमर पे गिर रहा है सर, नारायण कमर पे गिर रहा है सर, नारायण कमर पे गिर रहा है सर। ठीक है रेस्ट, उतरिए, छोड़ दीजिए। दोस्तों ये रहेगा दूसरा अभ्यास। नारायण अच्छे से देखो इनको, ऐसा कमर आपके नीचे, ऊपर होल्ड करना है कम से कम 3 से 5 सेकंड। नारायण ऊपर देखो, 3 से 5 सेकंड होल्ड करो। इस अभ्यास से आपके मेरुदंड में स्पेस मिलेंगी नसों को। एकदम आसमान की ओर कम से कम 3 से 5 सेकंड आपको होल्ड करना है। ऊपर ऊपर देखिए, मुझे नहीं ऊपर देखिए। बस है, पहला दिन है, बस है, बस है। नारायण ये अगले अभ्यास को देखो, पहले ठहरो ना, कर रहे देखो, इधर देखो, इनको देखो। ये तुम्हारे को दर्द कम करने के लिए शुरुआत ही है। लगाओ आकाश एक दो तीन बार, ये आहिस्ते आहिस्ते करने के बाद बगैर पैर उठा के भी करना है इसको। आकाश आहिस्ते से करो। नहीं नारायण नीचे जाओ, देखो ना कैसा जा रहे नीचे, ऐसे नीचे जाओ, कोशिश करो। नीचे जाओ अच्छे से नारायण, नीचे जाओ। हाँ देखो ना कैसा कर रहे, नीचे जाओ। नीचे जाओ नारायण, नीचे जाओ। तकलीफ हो रही, ऐसे ऐसे ये अभ्यास करो, आपको आ जाएगा, ठीक है ना। नारायण उठो, आ रहा, हाँ शाबाश। एक बार फिर से ट्राई करिए, नहीं भूलने का कुछ भी नहीं है। जब आप पीछे जा रहे श्वास खींचना, जब आप नीचे जा रहे सब श्वास फेंकना, क्षत्रिय प्राणायाम, ज्यादा कुछ भी नहीं है। पीछे गए ना, अब नीचे जाना, नीचे जाना, आराम आराम से, आराम आराम से नीचे जाना। बस नारायण ये पहला दिन था तुम्हारे को, बस है ना, तो तुम्हारी कमर और ज्यादा दर्द करेंगी, ऐसे ऐसे इसको बढ़ाना। ये अभ्यास के बाद आकाश डन लगा के बताओ। थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा लगता वो, लेकिन ज्यादा करे तो दर्द हुआ था, कल के दिन उठना नहीं आता। वो अभ्यास उनके बाद ये अभ्यास लगाना देखो नारायण, इसको बोलते हैं डंड। उनकी सांस की आवाज आ रही तुम्हारे को, सांस कैसा कर रहे हो, सांस की आवाज सुने आ रहा, लेना है। नीचे जाते वक्त सांस छोड़ना है, ऊपर नीचे जाते वक्त सांस छोड़ना है, ऊपर आते वक्त सांस खींचना है। पूरा जब ऊपर उठ रहे ना तुम आसमान को देखना है, जब नीचे जा रहे तो तुम्हारी नाभि चक्र को देखना, मणिपुर चक्र को देखना है। कोशिश करते हैं, जितना हो सके उतना करो, ऐसा ऐसा तुम्हारे को ताकत आएंगी। स्पीड नहीं, आराम से, शाबाश, बहुत अच्छे, आराम से, स्पीड न करो तुम आकाश, स्लो करो, बहुत बढ़िया नारायण। 90% दर्द तुम्हारे को इससे चले आता, समझे क्या। खिंचाओ हमारा नारायण, जल्दबाजी मत करो, 5 से 6 बसे पहले दिन, बसे नारायण, उतर उठ जाओ। वेरी गुड, शाबाश नारायण, अच्छा कर रहे आप, लेकिन बसे पहले दिन नारायण बसे। नारायण ये वृश्चिक दंड, जब तुम्हारे को दंड मानना अच्छा आ जाता ना, लेफ्ट राइट, ये 15-20 दिन के बाद मानना तुम। जब दंड मानना अच्छा आ जाता ना, ये दंड का अभ्यास करना, इससे तुम्हारे कमर के अंदर लचक आती,
हड्डियों में जो बल जो है ना डिस्क जाके मार रहा ना बराबर सेट होने में बहुत सहायक रहता है ये। जो तुम्हारे लेफ्ट पैर का दर्द है ना उसके अंदर भी बहुत तुम्हारे को राहत मिलती है। क्या ये करने का आराम आराम से आता ऐसे ऐसे आता पहले दिन भी नहीं आता। नारायण मत करो अभी ये तुम नहीं कर सकते। अच्छा। ये मत करो अभी ठीक है। बढ़ते अगले अभ्यास की ओर। ये तुम्हारे को मेन आकाश एक बार पलट के टी शर्ट उतारो घुमा यहाँ पर देख रहे एक मीटर का आकाश ये सीधा मसल पे काम करता तुम्हारे को। ये L4 L5 इधर रहता जो तुम्हारे को तकलीफ है ना जो तुम्हारे को तकलीफ है वो यहाँ पे रहती। इससे दर्द होने से क्या है पूरा लेफ्ट में ना तो राइट में पैर खींचता पूरा हो रहा भैया मेरे भाई साहब। हाँ लेकिन ये मुदगर घुमाने से क्या है यहाँ के मसल्स तुम्हारे को बल आता ताकत आती यहाँ से लेके टेलबोन तक मुदगर काम करता कई सारी चीजों में काम करता है लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारे को ताकत देता है इन्हें। एक बार घुमा के बताओ आकाश देखो यहाँ से चालू हो रहा गर्दन सीधी आकाश यहाँ से लेके यहाँ आ रहा यहाँ आ रहा यहाँ आ रहा देख रहे हड्डियों की और स्पेशली इधर हाथ लगाओ तो मैं साइड से आकाश जरा देख के घुमाओ यहाँ हाथ लगाओ ये मसल्स रहते ये मांस नस है नस नस नहीं है मांस है मांस गोश यहाँ हाथ लगाओ आराम से घुमा आकाश असर गिर रहा होगा अंदर बाहर हो रहा हो अंदर बाहर हो ना ये जो कमजोर हो जाती है ना यहाँ की नशा और क्या गोश इसको ताकत पहुंचाता है इन्हें बराबर इसको ताकत पहुंचाए तो तुम्हारे को इन्हें कमर क्या होती है ऐसे पीछे की ओर मुड़ती बराबर ऐसा पीछे की ओर मुड़ती घुमाते वक्त तुम्हारी कमर के जितने पीछे की एक्सरसाइज करेंगे तुम उतना तुम्हारे को आराम मिलेगा। घुमा आकाश घुमा आकाश एक बार तुम अभ्यास करके बताओ घुमाते रहो आकाश बोलो सबसे पहले कभी भी आप मुदगर उठा रहे मुदगर के पैर पड़ना बताओ आकाश उठाओ तुम पहली बार कर रहे दो हाथ से करो लग जाएगा नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता गर्दन सीधी घुमाने का आराम से पीछे गिर रहा वजन कमर पे गिर रहा ये हाथ चेंज करो ये हाथ लो अब ये हाथ से घुमाओ एक दो तीन ऐसे ऐसे चार पांच वो हाथ लो आराम से घुमाओ सही घुमाओ अच्छे से पकड़ो नहीं आकाश सही तरीका मानना बताओ मुदगर मिस हो रहा उनको कंधे के बाजू से जाना एक दो शाबाश तीन चार पांच बस नारायण बस ये मुदगर अभ्यास इसी अभ्यास को तुम्हारे को आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा करेंगे अपन। ये तुम्हारे को खाली एक्सप्लेन करे यानी तुम्हारे को समझाए खाली और जब पीछे लेके जा रहे तब सांस खींचना एक बार आकाश करके बताओ सांसों को देखो इनकी ये भस्त्रिका है ये सामने आते वक्त सांस छोड़ना पीछे आते वक्त सांस खींचना सांस की आवाज आ रही ऐसा करके बताओ एक बार नारायण एक बार करके बताओ ऐसा करो नारायण पीछे जाते होगा सांस खींचना खींचो हाँ बस एक मिनट ये अभ्यास के बाद हफ्ते में कम से कम एक बार बॉडी की मसाज और स्ट्रेचिंग होती
स्ट्रेचिंग कुछ इस प्रकार के रहेंगी ताकि इनके पैर के अंदर जो खून की दौड़ान कम है वो अच्छे से होना। नारायण एकदम लूज छोड़ो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसमें उतना दर्द नहीं है ना, इसमें दर्द नहीं है ना, इसमें दर्द है जल्द लूज, इसमें भी थोड़ा थोड़ा होता लगे। थोड़ा साइड में पढ़ लो, लूज वैसा लेटो, ये साइड पढ़ लो, पीछे पलटो, पलटो पीछे, हाथ पीछे साइड में, सांस खींचो, छोड़ो, खींचो, छोड़ो, खींचो, छोड़ो, यहां तक छिटका है दोस्तों, उसके बाद में इसको ट्विस्ट करना है कमर को। लेकिन उससे पहले, ट्विस्ट करने से पहले नारायण हाथ आगे करो, मेरे हाथ को पकड़ो, अच्छा मेरे हाथ को पकड़ो, वाच से भी पकड़ो, ऊपर उड़ो, इस प्रकार से इनको होल्ड करके कम से कम 5 से 10 सेकंड होल्ड कराना है ताकि इनकी कमर के ऊपर लचीलापन आए। वापिस से 5 से 10 सेकंड का गैप, फिर वापिस से, ऊपर देखो नारायण, नारायण ऊपर देखो, 3 आराम करो। यह से यह 5 बार होने के बाद इनके एयरफाई को चिटकाएंगे, यहाँ पर उनको लिटाकर इनकी हड्डी ये चिटकाया था, लेकिन यहाँ पर इनके एयरफाई को ट्विस्ट करना है, तो कुछ इस प्रकार से रहेंगे वो। ये एग्जैक्ट ये पोजीशन पे कुछ इस प्रकार से वैसा पलटो, ऐसा इधर मुंडी, यहाँ के दोस्तों हो सके तो आप सुन से प्रयास कीजिए, कोशिश करिए सुनने की, एल्फर एल्फाई की आवाज़ ही कुछ इस प्रकार से। उठो नारायण, उठो, कभी भी ऐसे नहीं उठना, साइड से उठना, आ जाओ, करके खड़ा बनाए सो हम लोग स्पेशली लेडीज़ के लिए जिनको दर्द हद से ज़्यादा रहता, इसे पहन के कम वो लोग 15 से 20 मिनट डेली चलना, ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट ही। नारायण एक बार पहन के चल के बताओ, पैर में डालो, हाँ पैर में डालो, यहाँ से मतलब जा करो, जितने भी आपके नसों के प्रेशर पॉइंट्स है, जितने भी आपके नसों के प्रेशर पॉइंट्स है, ये एकदम यानी पहले दिन से ही रिजल्ट बताना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ दो राउंड मारो ऐसी,
तीन चार राउंड मारो, ठीक है, रोक दो साइड। जैसा कि देख सकते हैं आप दोस्तों, इन्होंने जब पहली बार आए थे थोड़ा लंगड़ के चल रहे थे, इनकी लंगड़ा थोड़ी कम हुई अभी, यानी लेफ्ट पैर में इनको ज़्यादा तकलीफ थी पहले ही दिन में इनको, इतना असर बाकी का अब इनसे पूछेंगे। बंधे रहो, इधर आओ, चप्पल निकाल, हाँ निकाल लो, थोड़ा नजीक का। नारायण बोलो क्या हुआ, उधर देखो, शर्मा मत, बोलो। पैर में दर्द है, पैर में अभी हो रहा, थोड़ा कम है पहले से कम है अभी। कितना असर दिख रहा है, इतने सारे अभ्यास बताए तो कैसा दिख रहा है? अच्छा लगा, इधर जरा देखो, अभ्यास बताए थोड़ा अच्छा लगा। मैं बहुत से योगा क्लास लगाया, मुझे कुछ आपके जैसा फायदा नहीं मिला, यहाँ पर थोड़ा अच्छा लग रहा है पहले दिन में। और एक कुछ फर्क है, दो तीन हफ्ता आ जाएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम हो जाए। दो तीन हफ्ते इधर आने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को, जो अभ्यास बताए ये वीडियो अपन यूट्यूब पे डालने का है। अच्छा, ये डालने के बाद मैं डेली देखना, तुम दौड़ रहे कुछ भी, आकाश रहता उसको कॉल कर लेना, ठीक है भैया? ठीक है, कॉल करके उनको पूछ लेना, मैं कभी बिजी रहता हूँ कभी फ्री रहता हूँ, फ्री रहते टाइम पे मैं खुद तुम्हारे को एक्सप्लेन कर दूँ। और हर संडे संडे आके इधर तुम मालिश करा लेना, साथ ही साथ बॉडी की स्ट्रेचिंग कराना, और अभ्यास में वीडियो कॉल में डेली आकाश को फोन करके तुम बताना आज मैंने इतने बार करा बोल के, वीडियो कॉल में खुद बताना। चलेगा भाई, जो जो चीज़ें आपको बोला मैं, खट्टे की चीज़ें बोला, चाय छोड़ने के लिए बोला, शराब छोड़ने के लिए बोला, ये सारी चीज़ें नहीं करना। अभी क्या बोल रही कमर और पैर क्या बोल रहा? थोड़ा अच्छा लग रहा है पहले से भी। हाँ, पहले अभी सवेरे भी आया, मैं पैदल आया, थोड़ा वॉकिंग हो जाएगा बोल के, मेरे बहुत तकलीफ हुआ, मेरे को चलने नहीं आ रहा था। अभी चल के देखो, वो खड़ा पहन के चले ना। हाँ, अभी थोड़ा चल के बताओ, पहले तुम आए जब उसकी रिकॉर्डिंग भी है और आपकी रिकॉर्डिंग भी है। देखिए दोस्तों, जब इन्होंने पहले आए थे उसकी भी रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग में बताया मैं, कितना इनको फर्क आया चलने में। वापस आ जाओ नारायण, लेफ्ट पैर में फर्क है? नहीं नहीं, तो मस्त लग रहा है अभी, पहले से अच्छा है। अच्छा है, खुश है? अरे भैया ये तो जादू है एकदम, सही में भैया, बहुत तकलीफ हो रहा था अभी, पहले आप इसके पहले चलाते भी पूरा बेंड हो रहा था, अभी क्या हो रहा? हाँ, अच्छा लग रहा है अभी। थोड़ा भागो, भागना नहीं लेकिन, थोड़ा आपने इधर तो ये किया हिसाब से, जो जो भी करें वो डेली करना। हाँ हाँ, वो करने से तुम्हारे को राहत मिलती, ठीक है, फर्क देखे ना। पहले तो मैं जब कैसा चल रहे थे, थोड़ा लेफ्ट में झुक के चल रहे थे। हाँ हाँ, अभी बराबर आ गया ना? अभी बराबर आया। मुद्गर का अभ्यास करते रहना और जो जो भी बताया वो करते रहना, अगले हफ्ते आना मालिश कराना, फिर तुम्हारा वीडियो एक महीने के बाद डालेंगे, ठीक है? तो दोस्तों ये थे कुछ अभ्यास, और ये हमारे सब्सक्राइबर, कहाँ से आए तुम? तांडूर। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर है, ठीक है, परवाह नहीं, डेली 100 किलोमीटर आने जाने की परवाह नहीं है तुम्हारे को, घर में बैठ के आराम से करो। हाँ, हिंदुस्तान में कोई भी कमज़ोर नहीं रहना, हर कोई ताकतवर रहना, पहलवान रहना, स्वस्थ रहना। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।